वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया। चलो ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? बंदरबन नेशनल पार्क। नहीं, बांदीपुर नेशनल पार्क है ना। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर, कोलकाता, कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक कहाँ है? देखो लोकेशन, ये जो एरिया दिख रहा है ये है कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक है ना। और बांदीपुर, ये लिखा है बांदीपुर, कर्नाटक और तमिलनाडु की बॉर्डर पे। कहाँ पर? कर्नाटक और तमिलनाडु की बॉर्डर पे। ठीक, अब यहाँ पे कोई स्पेशल जानवर? तो यहाँ पे स्पेशल कुछ नहीं है, बाकी सभी नॉर्मल जानवर हैं। एलिफेंट, टाइगर, बियर, सांभर, पैंथर, जो मैक्सिमम में मिलेंगे ना। चलो ठीक, पहला हो गया बांदीपुर। बांदीपुर याद कैसे रहेगा? कोई ट्रैक है? ऐसे याद रखो, बांदीपुर बाजू में बेंगलोर है ना, बांदीपुर बाजू में बेंगलोर। ठीक है, याद रहेगा। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है ना, बांदीपुर बेंगलोर, क्लियर। चलो आगे, कौन सा है? बालफक्रम सेंचुरी। हाँ, बालफक्रम सेंचुरी। बालफक्रम सेंचुरी ये है गारो हिल्स पे, मेघालय। तो मेघालय कहाँ है? कोई बताएगा लोकेशन? इधर कहीं, ये। चलो गुड, तो ये मेघालय रहा। हाँ। ठीक, तो मेघालय में गारो हिल, मेघालय में तीन हिल्स हैं, खासी। अब यहाँ फोकस करना है ना, वो तो सब कट जाएगा। गारो, खासी और जयंतिया, कितनी हिल हैं? तीन। गारी, खासो, जयंतिया, फिर से है ना। सर, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय की हिल्स भी हैं और ट्राइब भी। ये एक्स्ट्रा डिटेल बताते जा रहे हैं, याद रखोगे, दोबारा तो अपन बताएंगे नहीं, बस दोबारा फिर यही सहारा है। ठीक, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स भी हैं, ट्राइब्स भी। तो पूछ सकते हैं कि गारो ट्राइब कहाँ रहती है? गारो है ना, तो कहाँ होती है? मेघालय में। खासी ट्राइब भी वहीं पे। और पूछे कि जयंतिया हिल कहाँ है, तो वो भी वहीं है। तो यहाँ पे खासी, गारो, जयंतिया, गारो हिल्स पे क्या है? बालफक्रम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, मार्बलेट कैट, रेड पांडा और वाइल्ड वाटर बफेलो। स्पेशल अलग चीज़ क्या है इसमें, बताओ जल्दी से, नाम बोलो। बफेलो सर? नहीं सर, बफेलो नहीं सर। जल्दी बोलो, स्पेशल। मार्डन सर, ये कोई मार्डन। चलो, एक बाइसन और सर मार्बलेट कैट। मार्बलेट कैट हाँ, और रेड पांडा। हाँ, कोई सुन तो पूछे कि मेघालय के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेड पांडा होता है? गारो हिल्स। पांडा मतलब बालफक्रम सेंचुरी। टीवी पे, गूगल पे सर्च करना क्या होता है पांडा। क्लियर, चलो वापस आ जाओ आगे। फिर चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा सेंचुरी, चंदौली यूपी। कहाँ पे? चंदौली यूपी, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा कहाँ? यूपी दिख रहा है। और यूपी में कहाँ? ये बिहार की बॉर्डर पे। यूपी में कहाँ है? बिहार की बॉर्डर, ये साफ दिख रहा है। ठीक, बिहार से थोड़ा सा दूर। ठीक, चंद्रप्रभा सेंचुरी, चंदौली यूपी। यहाँ पे एशियाटिक लायन भी है, टाइगर, पैंथर, इंडियन गेजल एंड स्लॉथ बियर। सर पैंथर क्या होता है बताओ? ब्लैक पैंथर, नहीं, ब्लैक पैंथर, भेड़िया लग रहा है सर हमको। बिल्कुल नहीं सर, टाइगर ही की प्रजाति का। सही समझ रहा है लगभग, है ना। बाकी डिटेल में सर्च कर लेना, इतना तो करोगे ही। फिल्म में एक फिल्म बनी ना, ब्लैक पैंथर ने खरीदा था, इतना सा है 40। ओके, वापस आ जाएं। हैं हाँ, फिर जिम कॉर्बेट, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट, नाम याद रखना। जिम कॉर्बेट, हाँ सर, जिम से याद रहेगा। ये रहे, ये है नैनीताल में, नैनीताल उत्तराखंड। कहानी सुनते हैं
थे। हाँ, नैनीताल तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, गाना सुना होगा। सर जी नैनीताल है कहाँ? उत्तराखंड में, लखनऊ साइड। हाँ उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड में है। ठीक, चलो उत्तराखंड में क्या क्या है स्पेशल? इसमें नील गाय है, पैंथर है, सांभर है, एलिफेंट, टाइगर, स्लॉथ, बियर। तुम्हें ये चीज़ फोकस करनी है, जिनको जिनने तुमने तो पढ़ा है ना, प्रियांश ने पढ़ा, अपनी बता रहा है, अपने लिए नहीं पता कि कुछ जानवर बहुत ज़्यादा हैं और कुछ जानवर बहुत कम हैं। तो हमें यही तो पकड़ना है कि क्वेश्चन वहीं से आता है जहाँ पे कछु स्पेशल होता है, समझ रहे ना? जहाँ पे कछु स्पेशल होता है तो तुम्हें स्पेशल नोट करना है। अभी तुम देख रहे होगे कि जो सांभर है वो रिपीट हो रहा है बार बार। यस सर। सभी में, मतलब लगभग सब में मिल रहा है। तो जी उतना काम का नहीं। अब भी काम का क्या होगा? जैसे अभी सिम कार्बेट में तुमको नील गाय सबसे पहली बार सुनने मिली। नील गाय मतलब गैया नीली? हाँ नीली गैया, मगर नीली नहीं होती, वो हल्की सी नीली होती है, एकदम प्योर नीली। लेकिन उसका नाम आ गया नील गाय। बिल्कुल, चलो ठीक। सर, याद रखना कहाँ होती है? जिम कार्बेट में। जिम कार्बेट कहाँ? ये दिख रहा, ये दिख रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड का मैं, अब ये लिखा है कार्बेट, जगह कम होने कारण ने क्या लिख दिया? सिर्फ कार्बेट, जिम कार्बेट नहीं। हाँ, हमारे यूपी बॉर्डर से थोड़ा सा पास में, उत्तराखंड में। एक बार रिपीट कर लें, भूले ना, बांदीपुर, चंद्रप्रभा, जिम कार्बेट, बांदीपुर, बेंगलोर, कर्नाटक, चंद्रप्रभा यूपी, चमोली, और ये कार्बेट। भूलने की कोशिश नहीं करनी है। और एक गारो हिल में है। हाँ जी, यहाँ का। हाँ ना, बालफक्रम, थोड़ा कठिन नाम है, कोई दिक्कत नहीं, दो तीन बार में आएगा ये। चलो नेक्स्ट देखें, दाचीग्राम। कौन सा? दाचीग्राम। दाचीग्राम नाम से क्या लग रहा है? दाचीग्राम सर जी, दाचीग्राम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। चलो हिंदी में देखो, दिख रहा है किसी को दाचीग्राम? ये देखा, जम्मू कश्मीर। हाँ। लोकेशन देखो, जम्मू एंड कश्मीर, दाचीग्राम। हाँ। छोटू साहिल, ये तो पाकिस्तान में है? नहीं जी, क्यों? उतना तो किनार पे है, जरूरी कि पाकिस्तान में हो, बॉर्डर पे है और काफी दूर है बॉर्डर से भी। साहिल दिख रहा है ना? हाँ। दाचीग्राम कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, स्पेशल क्या है यहाँ? कश्मीरी स्टेंग हंगुल, ये सिर्फ यही पाया जाता है यहाँ पे। ये कश्मीरी जो स्टेंग है ये स्पेशल है, इसको सर्च कर लेना, इसकी फोटो क्या है, ये शायद हिरण की कोई प्रजाति है, स्पेशल होती है, बहुत स्पेशल, बहुत स्पेशल होती है, बस इतना याद रखना। हाँ, कश्मीर स्टेंग, कश्मीर स्टेंग हंगुल। सर ये ठंड लग रहा है तो। ये कुछ चीजें तुम सर्च करोगे, हमने मार दिया ये टच, है ना सर? वो तो नहीं, जिंगल बेल वो कहाँ है? गाना है भैया, कहाँ का चले गए अपन? नहीं सर, सोच सकते हो लेकिन नीली गाय में, सर नीली गाय में कर दी। क्या नीली गाय? नहीं, नील गाय बहुत मिलेगी अभी। चल वापस, जल्दी जल्दी करना है ना। दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा लखीमपुर, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर, है ना? खीरी यूपी। कौन सा? थोड़े से जिनके जिनको जमा यहाँ जरा बोल तो दो। लखीमपुर, लखीमपुर नहीं पहले, कहाँ पे है? चलो यूपी में ढूंढ के दिखाओ जल्दी से, यूपी बिना कुछ टच किए। यूपी में दुधवा कहाँ दिख रहा है? गुड, दुधवा है ना, कहाँ पे? नॉर्थ में, यूपी के नॉर्थ साइड, काय की बॉर्डर के पास में, नेपाल की बॉर्डर के पास। ये है नेपाल की बॉर्डर, ये नेपाल बॉर्डर, बॉर्डर में बसे हैं। सर जी यूपी नेपाल से जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है, साफ दिख रहा है, देखो नक्शे में भी देख सकते हो। तो ये मिला दुधवा? यस सर, दुधवा यूपी में है ना। तो यूपी में अभी अभी दो हो गए। कौन कौन से हो गए यूपी में? दो हो गए, और कौन सा हुआ था जल्दी बोलो? चंड ऐसा ही कुछ नाम था। चंड, वेरी गुड, सही सोच रहा है छोटू। इसके लिए हम बढ़िया छड़ी उठा सकते हैं। यूपी में कौन सा था? और हम उन्हीं से पूछेंगे जिनके थोड़े से है ना नया नया से ऐसे हो रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ पा रहा।
तो पूछने वाले, ये लास्ट चांस दे रहा है। चंदौली लिखा है सर सामने। नहीं चंदौली नहीं, चंद्र प्रभा सेंचुरी। चंद्र प्रभा जमा लो बढ़िया अच्छे जी भर के। चलो ठीक, कहा अपने मुंह से कछु निकल नहीं रहा ना। मांस कांस हटा दे, मांस हटा दे थोड़ी सी। चलो बस हाँ जी उसको नाक में ठंडी लग रही है, अपन बोल नहीं रहे इसलिए। हाँ दुधवा हो गया यस सर। नेपाल बॉर्डर पे ये पहला था चंद्रप्रभा, यूपी का दूसरा है दुधवा, है ना अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी। चलो नेक्स्ट, हाँ घाना बर्ड सेंचुरी, इसके बारे में बहुत तारीफ सुनिए, प्रियांश अब भी अपने आप समझ जाएगा। ये है भरतपुर राजस्थान में, तो प्रियांश इसका सबसे स्पेशल जानवर बताओ, जिस पक्षी जिसके बारे में हमने तुमसे पहले बात की थी, जो लोग साइबेरिया से आते हैं। लेकिन सर उस पक्षी का नाम भूल गए सर, बदक है। वो है साइबेरियन सारस, और सारस। हिंदी में इसको बोल इंग्लिश में बोलते हैं साइबेरियन क्रेन। सर वही ना जहाँ उनको बहुत ठंडी लगती है। हाँ अरे नहीं जी हाँ बिल्कुल, साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड के कारण वो लोग हर साल हमारे भारत में आके रहते हैं और अपने मतलब परिवार को बढ़ाते हैं यहाँ आके, क्योंकि यहाँ नॉर्मल तापमान होता है पक्षी लोगों को। हाँ पक्षी है ना, क्या जो अपन पहली बार सुन रहे हैं तो अपने लिए अजीब लगता है, लेकिन वो कई हजार किलोमीटर चल के आते हैं, उड़ के बिना रुके, क्योंकि कहाँ रुकेंगे वो, थोड़ा बहुत रुकते हैं कहीं शायद हिमालय के किसी पहाड़ों पर रुकते हैं बस, अदरवाइज नहीं। याद रहेगा घाना पक्षी अभयारण्य हिंदी में बोलते हैं। हाँ घाना पक्षी अभयारण्य सर ये उसी के नाम से दे दिया गया है। बिल्कुल उससे नहीं दिया, वो जगह का नाम है घाना। एक घाना जबलपुर में भी है। अब इसकी लोकेशन देख लें, लोकेशन देख लें। तो ये रहा हमारा राजस्थान है ना, और ये मिल गया हमें घाना। घाना हमारे दिल्ली के लगभग पास पड़ेगा, दिल्ली से रास्ता जाएंगे तो सीधा पास पड़ेगा, दिल्ली से निकलेंगे सरिस्का पड़ेगा, सरिस्का से फिर घाना। याद रहेगा घाना, मतलब ये कहाँ है हमारे एमपी से भी पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं है, यदि ग्वालियर से हम थोड़े आगे जाएंगे तो घाना। क्लियर चलो आगे बढ़ें, इसका कुछ स्पेशल वही था साइबेरियन क्रेन है ना, स्पूनबिल, हेरॉन टील और स्टोक, ये सारे जानवर इसमें मतलब सॉरी पक्षी अलग ही हैं। होमवर्क में आपको इन्हीं से रिलेटेड कुछ मिलेगा, तो याद रहेगा घाना घाना साइबेरियन क्रेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं भूलोगे किसी तरीके से साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट गिर नेशनल पार्क, गिर का शेर बहुत फेमस है, बब्बर शेर। हमारे भारत में यदि किसी लार्ज क्वांटिटी में बब्बर शेर पाए जाते हैं तो वो सिर्फ गिर में पाए जाते हैं। कहाँ पे? जूनागढ़ गुजरात। कहाँ पे? ये लिखा एशियाटिक लॉयन, पैंथर, सांभर, नीलगाय, क्रोकोडाइल और रिनोसोरस। नहीं हाँ राइनोसोरस। हाँ सर ये हमने देखा, गेंडा सा रहता है, गेंडा ही है। हजारीबाग नेशनल पार्क है ना, ये हजारीबाग में है और झारखंड में है। कौन सा है? हजारीबाग है ना, हजारीबाग नेशनल पार्क, हजारीबाग झारखंड में। तो ये रहा हमारा झारखंड, लोकेशन देख लें, और ये दिख गया हजारीबाग बिल्कुल बिहार और झारखंड की बॉर्डर पे साफ दिख रहा है हजारीबाग। दिख गया हजारीबाग, ठीक ओके। तो हजारीबाग नेशनल पार्क, और देखें इसमें स्पेशल क्या है, हजारीबाग में टाइगर, लेपर्ड, सांभर, चीतल, नॉर्मल ही है ना, स्पेशल कुछ हमें अभी इसमें इन दोनों में एक से नहीं देखा। हाँ बहुत सारे में मिलेंगे भैया, ठीक टाइगर, लेपर्ड, सांभर, चीतल, ठीक हजारीबाग बस याद रखना। हाँ, क्लियर। हजारीबाग झारखंड में, झारखंड। हजारीबाग को कैसे याद रखोगे, वहाँ पे कोयला बहुत है तो इसलिए वहाँ पे पैसा बहुत आता है, हजारों में आते हैं पैसे। हाँ, कोयला बेच के। हाँ तो याद रखेंगे ना, ये टेक है अपनी, हजारों में आते हैं, सोच के रखो कि बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं यूज होता है भैया, गाड़ी ट्रेन उसी में चलती है ना। ठीक नेक्स्ट, बैक टू द पॉइंट। कान्हा नेशनल पार्क मंडला, नहीं बालाघाट। जल्दापाड़ा सेंचुरी वेस्ट बंगाल, जल्दापाड़ा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको यहाँ पे जल्दा मतलब वाइल्ड ये तो दिखा दे रहे हैं हम, क्या पश्चिम बंगाल दिख रहा है किसी को? यस सर। ये दिख रहा है पश्चिम बंगाल, लंबा चौड़ा है। यस सर। ये ना सोच रहे इतना यहाँ तक है, और देखो ये यहाँ भी नहीं है जल्दा पाड़ा, जल्दा पाड़ा है यहाँ दार्जिलिंग के पास। अरे भैया कहाँ है सर ये? कहाँ है जल्दा पाड़ा? दार्जिलिंग के पास, असम से थोड़ा असम के पास, यहाँ पे सिक्किम के पास है। दिख रहा है लोकेशन? हाँ, जल्दा पाड़ा, पाड़ा। याद रहेगा जल्दा पाड़ा। कुछ स्पेशल है यहाँ, वेस्ट बंगाल में है टाइगर लेपर्ड सांभर चीतल, नॉर्मल क्लियर। जैसा हजारीबाग में वैसा ही जल्दा पाड़ा। क्लियर भैया? चलो है ना, ओके नेक्स्ट अगला देखें। कान्हा नेशनल पार्क, मछला एंड बालाघाट। वेरी गुड, ये तो हमारे एमपी की बात हो रही है, मध्य प्रदेश। अच्छा ये देख गया कान्हा, बिल्कुल वापस आ जाओ। चाचा जी लोग रहते ठीक कान्हा। यस सर। देख गया कान्हा है ना, कान्हा किसली, ये रहा कान्हा, मंडला और बालाघाट की बॉर्डर पे है, इसलिए इनको दोनों डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया है ना। यहाँ पे टाइगर, पैंथर है ना, एंटीलोप, बार्किंग बियर और नील गाय, नील गाय फिर आ गई। तो एंथ्रोपोल, एंथ्रोपोल और बार्किंग बियर मतलब भौंकने वाली हिरन और एंथ्रोपोल। हाँ जी, कुत्ते जैसी, नहीं कुत्ते जैसी, जैसी भी हो लेकिन लिखा है तो लगभग वही होगी। चलो वो ठीक है, तो उस पर डिस्कशन ना करें। याद रखना कि भौंकने वाली बियर कहाँ होती है, हमारे एमपी के का नाम है। बहुत अच्छे से कोशिश तो यही करना है कि अपन बिल्कुल ना भूले। ठीक है भैया छोटू, सर हमने जी के 4 महीने वहां पे, 4 ओके। हाँ नेक्स्ट क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलो कौन बता पाएगा कहाँ है ये जल्दी से बगैर देखे? असम में। ये देखा हमारा असम, और ये देख गया काजीरंगा नेशनल पार्क। हाँ जी स्पेशल जल्दी पढ़ो क्या है। टाइगर, इंडियन और हॉर्नेड, राइनोसोरस, वाइल्ड बफेलो, संभार। तो यहाँ पे वाइल्ड बफेलो, राइनोसोरस मतलब गेंडा, संभार। काजीरंगा का सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल है गेंडा, राइनोसोरस। क्लियर? और सर ये क्या है सर? ये लंबा सा नाम है कोई, ग्रेट इंडियन, वही ये ग्रेट इंडियन वन हॉर्न मतलब भारत का महान एक सींग वाला राइनोसोरस। अरे इंग्लिश का तुमने मीनिंग पूछा तो हमने वो बताया। क्लियर? हाँ चलो आगे बढ़े। सर इसकी प्रजाति कम हो गई ना? हाँ बहुत कम हो गई है, 2-4 बचे, बहुत कम बचे। 2-4 तो नहीं, 2-4 ही बचे। फिर भी कहने की भाषा में अपन 2-4 ही माने, क्योंकि हमारे भारत में पहले कभी हुआ करते थे, लेकिन अपने लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनको मार दिया, उनका सींग महंगा बिकता था है ना, उसकी भी बिकती महंगी, वो हाथी की, हाथी का दांत भी। तो यही तो हम लोगों की सबसे बड़ी गलतियां है कि बेचारे जानवर हैं लेकिन अपन ने खेल खत्म कर दिए। वर्ल्ड में अगर एक भी प्रजाति खत्म हो गई छोटू, सर अगर वर्ल्ड में सर एक भी प्रजाति खत्म हो गई जानवरों की, तो सर पूरा वर्ल्ड नहीं, पूरा एटमोसफेयर इफेक्ट होगा। इफेक्ट होता है, समझ में नहीं आता, थोड़ा देर में समझ में आता है। ठीक चलिए आगे बढ़े। yes. नेक्स्ट बोलो जल्दी। मानस नेशनल पार्क, मानस है ना, ये है बरपेटा रोड असम, ये भी असम में ही है ना। मानस सर इसमें वो ही है, हाँ इसमें मानस शायद नहीं दिया है ना, लेकिन हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ है देखो मानस है ना, काजीरंगा से थोड़ा आगे आओगे आप तो यहाँ पे आपको मानस मिलेगा। क्लियर? Yes, चलिए आगे बढ़े। आप बिंदु रख रहे वही है ना। हाँ। चलो मानस हो गया, और बताओ मानस का स्पेशल बताओ जल्दी से। सर वही है सब, टाइगर, एलिफेंट, पेंथर, वाइल्ड बफेलो, वन एंड होल्ड। हाँ यहाँ पे भी वन एंड होल्ड होता है। ठीक नेक्स्ट देखें, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। माउंट आबू कहाँ, माउंट आबू जल्दी बताओ, बताया था हमने एक दिन राजस्थान में। वेरी गुड, माउंट आबू राजस्थान। स्पेशल क्या है ये जल्दी बोलो। टाइगर, लेपर्ड, पैंथर, वाइल्ड बफेलो, अरे कहाँ पहुंचे, जंगल कैट, वाइल्ड बोर, वार, सर वाइल्ड बोर, हाँ पेंगोलिन, पेंगोलिन
हाँ यहाँ पे पेंगोलिन स्पेशल है, जो चींटियाँ खाता है पेंगोलिन, इतनी बड़ी सूंड होती है उसकी, एक लंबी सी सूंड होती है, चींटियाँ खाता है वो, इतना बड़ा होता है, छोटा सा होता है इतना बड़ा लगभग, है ना, लगभग 3 फुट, हाँ जी चींटियाँ खाते हैं, जानवर है उसका भाई, वो है क्वालिटी है उसका, ठीक है ना। तो माउंट आबू कहाँ है, चलो लोकेशन देखो जल्दी, यहाँ पे है माउंट आबू, अरावली पर्वत है जिसके ऊपर है माउंट आबू, वहाँ पे एक फेमस जैन मंदिर भी है, याद रखना हमारा तो, फ्रेंड का है, हाँ तो माउंट आबू याद रखना, राजस्थान में है कहीं, साउथ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में नहीं है, कहाँ है ये, राजस्थान में है, यहाँ पे हमारे एमपी और राजस्थान के लगभग लगभग पास में है, बीच में समझ लो, ठीक है भैया। अब देखें अगला है मुदुमलाई सेंचुरी, नीलगिरी हिल तमिलनाडु, चलो वापस तमिलनाडु पे आ जाओ, नीचे तरफ नीचे आ जाओ इधर, ये मुदुमलाई, ये दिख रहा है मुदुमलाई, बिल्कुल केरला की बॉर्डर पे, इलायची पहाड़ियों के पास में, अभी इलायची पहाड़ी तुमको फिजिकल मैप में बताएंगे, है ना, जहाँ पे इलायची होती है सबसे ज़्यादा, इलायची खाने वाली इलायची, तो पूरा पहाड़ी उसका है इलायची, इलायची यस, बर्फ मरफ नहीं, चलो सीधा तोड़ ही लेते सर, क्या बन के भी आती है अपन जो खाते हैं, वो सूखने के बाद ही उसको तोड़ा जाता है, पकती है वो, चलो ठीक है वापस आए, मधुमलाई क्लियर, मधुमलाई सेंचुरी स्पेशल क्या है, एलिफेंट डियर और पिग्स, सुअर भी, हाँ जी यहाँ पे पिग्स भी हैं, ठीक इतना क्लियर, यहाँ पे स्पेशल ये समझ लो पिग्स जो यहाँ पे डिफरेंट है, खाते हैं सर, बोलो खाते भी हैं और पाल वो होती भी है जंगली सर, ना अब जो भी पिग है उनने तो पिग बताया तो अपन मानेंगे, हाँ। अगला है नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क है ना, नामदफा नेशनल पार्क चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, देखो नामदफा, नामदफा ये वहाँ की लैंग्वेज में ये नाम है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड के पास में ये नामदफा है, ठीक नहीं, इंडिया में है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही, अरुणाचल प्रदेश कब्जे में है ना, नहीं पूरा नहीं है कब्जे में, जितना है उसने भी नहीं है, याद रहेगा यस सर, नाम दफा, हमारा जो पूर्व का जहाँ पे सूर्य उगता है ना, जो सबसे पहला बिंदु है, उस बिंदु का यदि सबसे पहला नेशनल पार्क बोले, है ना, क्या है नाम दफा नेशनल पार्क, तो सबसे पहले सूर्य की किरण यहीं पड़ती है, यदि हाँ यदि नेशनल पार्कों में बात करें तो सबसे पहले नाम दफा में ही सूर्य की किरण पड़ती है, सबसे पहले जिस शहर में पहले आती है नाम दफा में, हाँ ये हम मान सकते हैं नेशनल पार्कों में, शहर तो और भी होते हैं, ठीक चलो वापस आ जाए, यही खड़े रहो बस, देखोगे कुछ हाँ वापस आए, पालामाऊ, पालामाऊ टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व का मतलब जानते हो, जहाँ पे शेरों को सुरक्षित किया जाता है, मतलब खाना भी उन्हें, किनको सुरक्षित करते हैं, शेरों को, जिसको सर खाना भी उनको दिया जाता है, शिकार नहीं करना पड़ता, संरक्षित सुरक्षित किया जाता है, मतलब वो रहते तो जंगल ही में है, बट कोशिश ये की जाती है कि उनको वो सारी सुविधाएं दें जिससे कि उनकी प्रजाति कम ना हो, क्या कम ना हो, उनकी आयु कम ना हो, नहीं उनकी प्रजाति कम ना हो, वो लोग कम ना बचे, मर ना जाए, व्यवस्था की जाती है उनके लिए, यदि खाना नहीं होगा तो खाने की व्यवस्था करेंगे, नेचुरल खाना जो वो खाते हैं मांस, है ना, जंगली मांस की व्यवस्था करेंगे, खाना तो नहीं देंगे लेकिन वो जो उन्हीं का खाना बुला के दे जो भी, हाँ हाँ देसी मुर्गियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बकरे हैं, मतलब सीधा उनको बचाने का कोशिश की जाती है, तो हमारे भारत में बहुत सारे अभी बच चुके हैं, हाँ बहुत बचे हैं, 500 से ज्यादा हो गए सर, व्हाइट टाइगर अपने पास, वो सिर्फ हमारे हमारे बांधवगढ़ में है, व्हाइट टाइगर टोटल टाइगर 500 के थोड़े से ज़्यादा हैं, और जो सिर्फ व्हाइट टाइगर है वो हमारे एमपी में बांधवगढ़ में होता है सिर्फ, सर आपने देख लिया व्हाइट वाला, हाँ देख लिया,
कितने बच्चे अपने हाँ व्हाइट टाइगर हमारे वन विहार में भी है, भोपाल में भी, भोपाल में भी है। पालामऊ हो गया है ना, इसके बाद आते हैं पालामऊ क्या है ना, लटहार झारखंड, झारखंड में देख लो पहले पालामऊ, ये पालामऊ लिखा है इंग्लिश में, इसका प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में इसको बोलते हैं पलामू, पलामू। झारखंड, झारखंड में दो हो गए, हजारीबाग और पलामू। यस, हजारीबाग और पलामू दो हो गए। वापस आ जाओ जल्दी से, पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वारंगल तेलंगाना, पहला आया सर ये तो। हाँ ये वारंगल तेलंगाना, टाइगर पैंथर चीतल और नीलगाय, हाँ वारंगल देख लें तो तेलंगाना ये रहा, और यहाँ पे वारंगल वाला जो है ना, जो वो बोल रहे हैं कौन सा वाला पाखल, लेकिन ये रहा तेलंगाना, यहीं कहीं होगा। पेंच नेशनल पार्क हमारे एमपी में है, ये दिख रहा है, इसका कुछ हिस्सा नागपुर के पास में है, पेंच ये दिख रहा है, ये दिख कहाँ रहा है लेकिन हमें महाराष्ट्र में, लेकिन ये जो पेंच है ये हमारे कहाँ पे, एमपी सिवनी में, सिवनी जिला है एक। ठीक, ये नक्शे में थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बंगाल टाइगर चीतल सांबर, बंगाल टाइगर स्पेशल, यहाँ की स्पेशलिटी बंगाल टाइगर। हाँ चलो इकट्ठे से एक अच्छी बात सुनो जल्दी से, जो मोगली का जो नाटक बना है ना, मोगली की जो बुक लिखी गई है वो इसी पेंच पे लिखी गई है, राइटर ने यहीं से प्रभावित होके उसको लिखा था। नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क, इडुक्की केरला, ये दिख रहा पेरियार, ये दिख रहा इडुक्की, ठीक ये दिख रहा केरला, ओके इससे ज़्यादा समझ नहीं की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे वाइल्ड बियर गौर सांभर, यहाँ गौर पक्षी है, गौर पक्षी होता है एक वो है, ठीक, और एलिफेंट टाइगर, हाँ काम है, बहुत कम है इसलिए बात हो रही उनकी। चलिए ठीक, अगला क्या है, रंगनाथी तू बर्ड सेंचुरी कर्नाटक, कहाँ पे, हाँ इसका नाम ही थोड़ा टफ है, ये दिख रहा साफ साफ कर्नाटक में, रंगनाथी टू हाँ बर्ड सेंचुरी है पक्षियों की, पहली हमने बर्ड सेंचुरी कौन सी सुनी थी, घाना, दूसरा रंगनाथी, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, इसमें बर्ड्स ही होते हैं। चलो क्लियर, नेक्स्ट सर, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी एमपी, यहाँ पे माधव, ये दिख रहा शिवपुरी, ये दिख रहा हमारे ग्वालियर के पास, नीचे शिवपुरी है वहाँ पे, क्लियर, ज़्यादा टाइगर ज़्यादा डीप पे नहीं जाना, यहाँ बर्ड्स और टाइगर दोनों मिलते हैं, माधव। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल क्या था, सुंदरबन देख लो, लोकेशन बता दे रहे हैं, बहुत सुना है सर, हाँ पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, डेल्टा क्या होता है, समझो हमने तो बता दिया, हमने उसमें देखा ना वर्ल्ड का सबसे, मतलब नदियाँ ऐसी फैल जाती हैं, बहुत सारी नदियाँ फैल जाती हैं और पानी बहुत उथला हो जाता है, तो वो डेल्टा है, अब डिटेल में बताएंगे ज्योग्राफी में कुछ, छोड़ो अभी है ना, सुंदरबन। यहाँ पे स्पेशल क्या है, टाइगर वाइल्ड बियर क्रोकोडाइल और डियर, क्रोकोडाइल हमें यही मिला है ना स्पेशली, और एक जगह और मिला था, तीन चार जगह मिली है, दो ही जगह मिला है, हाँ ठीक। फिर ये कौन सा है, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, यहाँ जाओ तमिलनाडु में, ये दिख रहा तमिलनाडु, तो ये रखा है वेदांतांगल, वेदांतांगल बिल्कुल समंदर के किनारे में है, अच्छे समझ लो बर्ड सेंचुरी है तो बर्ड्स ही होंगे। नेक्स्ट देखें वाइल्ड एज सेंचुरी, लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात, ये दिख रहा है गुजरात, गुजरात देखा, ये दिख रहा है कच्छ का रण है ना, कच्छ का रण, वाइल्ड एस मतलब जंगली गधा, यहाँ हिंदी में लिखा है जंगली गधा, वाइल्ड एस जंगली गधा है ना सेंचुरी, तो ये कहाँ पे है, गुजरात में, वाइल्ड एस, हाँ वोल्फ भेड़िया नीलगिरी और चिंकारा, ये सब यहाँ मिला सर, चिंकारा चिंकारा और
जंगली गधा सिर्फ कच्छ में पाया जाता है। सर चिंकारा किसको कहते हैं? अब सर्च करना, ऐसे तो हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। पढ़ा है तर वो होता नहीं होता था। हाँ चलो दिखा देंगे है ना, ठीक ओके। अब देखें हमारा जो आज का है नेशनल, वो है महात्मा गांधी नेशनल मैरीन पार्क। ये है हमारा वंदूर पोर्ट ब्लेयर में, अंडमानो निकोबार आइलैंड पे। कहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड? वेरी गुड, हाँ ये सही है, ठीक। तो अंडमान और निकोबार, नाम क्या था? महात्मा गांधी नेशनल मैरीन नेशनल पार्क। पे तो सब बिल्कुल पानी पानी वाले थे। हाँ तो यहाँ पे लिखा नहीं है। क्रोकोडाइल, क्रोकोरट, कोरल रीफ, सी पेंस, शार्क, मोरे, ईल। देखो टर्टल, क्रोकोडाइल, कोरल रीफ, सी पेंस, शार्क्स, मोरील और मेंटा, ये सब समुद्री जीव है। ये नेशनल पार्क भी मैरीन पार्क है। अब बात आती है कि प्रश्न कैसे बनेंगे, तो हमेशा जो स्पेशल होगा वो चीज़ें पूछते हैं। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ के आओगे, हम इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कल करेंगे।